हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग गुड। तो जी, आज का वीडियो होने वाला है एक और माय ग्लैम लिपस्टिक स्वॉच वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय ग्लैम मनीष मल्होत्रा की हाई शाइन लिपस्टिक्स का स्वॉचेस एज वेल एज रिव्यू। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। ओके गाइस, तो इस लिपस्टिक रेंज में ना काफ़ी सारी शेड्स अवेलेबल हैं एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑलरेडी मैं इस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ, बट आई थिंक उस टाइम मैंने ज़्यादा शेड्स नहीं आपके साथ शेयर करे थे स्वॉचेस, बिकॉज उस टाइम मेरे पास बहुत ही लिमिटेड शेड्स। बट आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सारे के सारे शेड्स का रिव्यू एंड स्वॉच देने वाली हूँ। नाउ वन पॉइंट दैट नीड्स टू बी नोटेड ओवर हेयर इज कि पहले इनकी लिपस्टिक रेंज में 25 शेड्स थे, बट अभी जब मैं ऐप पे चेकआउट कर रही हूँ तो मुझे सिर्फ 22 शेड्स ही दिख, दो शेड्स जो है वो इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू मी। बट इधर मेरे पास आज आई थिंक 22 शेड्स ही आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, तो मेरे पास इतनी सारी लिपस्टिक, लाइक लिटरली इतनी सारी, एंड सभी का ही स्वॉच तो आपको आगे देखने को मिलेगा, बट उससे पहले रिव्यू जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आउटर पैकेजिंग की। सो आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरीके की, जो कि इनकी मनीष मल्होत्रा की क्लासिक स्टैंडर्ड पैकेजिंग है, बिस्ट इज़ ब्लैक एंड गोल्ड। एंड इसकी जो प्राइस है इस लिपस्टिक की, दैट इज़ 950 रुपीज़, विच इज़ अ लॉट। वी ऑल नो दैट इट इज़ अ लॉट, बट आपको ना हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर चलते रहते, तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट पे तो मिल ही जाती है। इवन अभी कुछ कूपन्स भी निकल रहे हैं ग्लैम पार्टी के, तो उसमें लोग ऐसी चार चार दो दो तीन तीन लिपस्टिक्स खरीद रहे हैं 99 रुपीज़ में, विच इज़ अ स्टील डील, राइट। इसमें आपको शेल्फ लाइफ मिल जाती है 3 ईयर्स की और 4 ग्राम की आपको लिपस्टिक मिल जाती है। लिपस्टिक की क्वांटिटी इज़ अ लॉट टू बी वेरी ऑन। बाकी सारी डिटेल्स मेंशन है आउटर पैकेजिंग पे। इफ़ वी टॉक अबाउट द इनर पैकेजिंग इज़ ऑल्सो सो गुड। सो बेसिकली इनकी जो सॉफ्ट मैट लिपस्टिक है और इनकी जो हाई शाइन लिपस्टिक है, दोनों की पैकेजिंग एकदम सेम है। लिपस्टिक कुछ इस तरीके की दिखती है, अगेन ब्लैक एंड गोल्ड, इट लुक्स वेरी क्लासी। एंड इसमें ना आपको कुछ इस टाइप का क्लोजर मिल जाता है, विच इज़ अ मैग्नेटिक क्लोजर, विच इज़ सो गुड। एंड इस पर्टिकुलर लिपस्टिक की जो क्वालिटी है, लाइक पैकेजिंग, टॉप नॉच, गाइस टॉप नॉच, ट्रस्ट। एंड कुछ इतना प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा है एंड अच्छा डिसेंट प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। इसी पे ही नीचे सब कुछ मेंशन है, स्टिकर लगा हुआ है, शेड लगा हुआ है, एक्सपायरी डेट वगैरह मेंशन है, विच इज़ गुड, बिकॉज अगर आप आउटर पैकेजिंग थ्रो कर देते हो तो इनर पैकेजिंग पे आपको एक्सपायरी डेट एंड ऑल मिल जाती है, विच इज़ अ गुड थिंग। सो अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मुलेशन की। सो फॉर्मूला जो इसका है वो एक बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी और शाइनी फॉर्मूला है। लाइक राइट नाउ आई एम ऑन माई लिप्स बी, मैं इसी में से एक शेड मैंने वेयर कर रखा है और आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी लिपस्टिक है, और अभी मेरा मन हो रहा है ये वाला शेड लगाने, इसके ऊपर ही टॉप अप कर लेती हूँ। ओके, एंड इट इज़ लुकिंग रियली नाइस। और मेरा फेस भी बहुत ज़्यादा ग्लॉसी लग रहा है बिकॉज आई हैव ऑयली। आप देख सकते हो कैसी फिनिश है इसकी, एकदम ग्लॉसी शाइनी फिनिश है, और इसका नाम भी हाई शाइन लिपस्टिक है, तो आप इससे यही एक्सपेक्टेशंस रखना, ठीक है। सो जो इसका फिनिश आता है लिप्स पे वो कुछ ऐसा आता है, एंड सिंस दीज आर वेरी ग्लॉसी, लाइक वेरी ग्लॉसी एंड वेरी वेरी शाइनी, दीज आर नॉट ट्रांसफर प्रूफ, ईजिली ट्रांसफर हो जाता, दीज आर नॉट लॉन्ग लास्टिंग, और आप देख सकते हो जैसे ही ट्रांसफर हुआ पूरा कलर ही फेड आउट हो गया। सो दीज आर नॉट ट्रांसफर प्रूफ एंड दीज आर ऑल्सो नॉट लॉन्ग लास्ट, बिल्कुल भी लास्ट नहीं करते हैं। और मुझे पर्सनली ये लिपस्टिक्स उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, आई टेल यू वाई, बिकॉज मैं डेली बेसिस पे लिपस्टिक लगाती हूँ एंड आई ट्रैवल विद माई स्कूटी, तो स्कूटी पे जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं फेस अपना कवर करके जाती हूँ, और जब मैं अपना फेस कवर करके जाती हूँ ये लिपस्टिक पूरी गायब हो जाती है, बिकॉज मेरे लिप्स टच होते हैं मेरे फेस कवर्स एंड दिस जस्ट वैनिशेज ऑफ, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये कुछ यू ना ऐसा टिंट या कुछ ऐसा भी नहीं छोड़ती है, ये पूरी की पूरी हट जाती है, अगर एक बार हट गई तो हट गई एंड बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग नहीं। अगर आप ऐसे भी लगा के रखोगे इसे, इट विल ट्रांसफ़र ऑन टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। लाइक कुछ कुछ लिपस्टिक्स होती हैं जो कि थोड़ी बहुत ट्रांसफर होती है, बट ये पूरी कम्प्लीटली ट्रांसफर हो जाएगी। सो आई डोंट लाइक दिस, और थोड़ा मैस भी क्रिएट हो जाता है इससे, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा शाइनी सा ग्लॉसी सा फॉर्मूला है, तो ये बिल्कुल भी स्टे नहीं करती है, ये बिल्कुल एक ग्लॉस की तरह ही है टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट इफ़ यू आर समवन जिसके एक्सट्रीम ड्राई लिप्स हैं और जो बिल्कुल भी लिपस्टिक लगा ही नहीं पाते जस्ट बिकॉज उनके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, क्रैकी हैं, तो उनके लिए ये लिपस्टिक्स बहुत अच्छी है, बिकॉज दीज आर वेरी कम्फर्टेबल, दीज आर वेरी बटरी, और बिल्कुल लिप्स को आपके ड्राई आउट करने का कोई चांस ही नहीं है दूर दूर तक। सो वो चीज़ अच्छी है उन लोगों के लिए अच्छी है, बट अदरवाइज आई डोंट थिंक दैट दिस इज़ अ गुड लिपस्टिक ऑप्शन। डेफिनेटली ये इन्होंने लॉन्च ही ऐसी, तो आप इससे वैसी एक्सपेक्टेशंस कर भी नहीं सकते कि ये लॉन्ग लास्टिंग होगी या एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि इवन दे आर ग्लॉसी और इतनी शाइनी है, बट स्टिल इनकी पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो। बट येस, इफ़ यू हैव वेरी पिगमेंटेड लिप्स देन देयर आर चांसेस कि आपके लिप्स पे ना दिखे, बिकॉज दिस इज़ नॉट दैट ओपेक। पिगमेंटेशन अच्छी है बट लिप्स पे ओपेक नहीं है, बिकॉज शाइनी फॉर्मूला है।
So I hope you get my point. 950 rupees for this lipsticks is a lot to be very honest. But I think offer में मिल रही है तो आप try करके देख सकते हो. If you like it, you can buy more. Otherwise, just आप एक अपनी vanity में अगर आपको ऐसा collection चाहिए तो आप ये try कर सकते हो. मुझे personally इनकी soft matte lipsticks बहुत पसंद है. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ दोज लिपस्टिक्स और वो मेरी फेवरेट है. डेली बेसिस पे भी मैं लगाती हूँ एंड दोज आर रियली नाइस. वो लास्ट भी कर जाती. अब हम इसके क्लेम्स पढ़ लेते हैं. सो ये कह रहे हैं लाइट वेट. येस दिस इज डेफिनेटली वेरी लाइट वेट. बोल्ड हाँ, पिगमेंटेशन अच्छी है. लॉन्ग लास्टिंग डेफिनेटली नॉट. एकदम गलत क्लेम है ये कि ये लॉन्ग लास्टिंग. एंड वाइब्रेंट लिप कलर विद शाइन ऑफ अ ग्लॉस इन वन स्वाइप. हाई शाइन एंड क्रीमी फॉर्मूला विद यूवीवी प्रोटेक्शन. ओके, सो इसमें आपको यूवीवी प्रोटेक्शन भी मिल जाता है विच इज़ अ ग्रेट थिंग. ओ जी हाँ गाइज, मुझे तो ये लिपस्टिक्स उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मैं ऐसे वीडियोज़ वगैरह में यूज़ कर लेती हूँ. अदरवाइज बाहर लगा के मैं नहीं जा सकती बिकॉज स्टे ही नहीं करी. आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए ना. विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन विद दिस.
ओके गाइज दैट्स इट, आई होप कि आपको ये रिव्यू वीडियो पसंद आया हो. अगर आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू.